हिमाचल नेवी रॉक्स टीम्स तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा रॉक्स बंगाल T20 चैलेंज लीग का MBC वर्सेस TMC के बीच। तो वीडियो काफ़ी छोटी रहेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो बात करूँ इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ABROCKS ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, ये आप प्रीवियस मैचेस के कुछ स्क्रीनशॉट्स देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की तो MBC वर्सेस TMC, तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का ध्यान आपको क्या रखना है, एक मेनली मैं आपको बात बता दूँ इसमें आपने भाइयों मैं देखा एक प्लेयर अभी खेल नहीं रहा क्योंकि जब पहले लाइनअप्स नहीं आई थी तो मैं आपको बता दूँ कि कौन सा प्लेयर मैंने ऐसा क्यों लिया था कि जो नहीं खेल रहा। चलते हैं आगे, बात करूँ विकेट कीपर की तो एस हबीब गांधी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। एक्चुअली क्या खासियत रहेगी इस प्लेयर के अंदर, एस हबीब गांधी को अगर आप चाहो तो ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, लेकिन ड्यू टू बॉलिंग पिच में ना किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई नहीं कर रहा है इन दिनों एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि मैं ग्रैंड जितनी भी पोस्ट करता हूं तो मैं ज्यादा जो भी मतलब मैं जितनी भी टीम्स होती है मेरे उसमें बॉलर बहुत फेवरेबल होते हैं तो बैटिंग साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है इनकी। बात करूं भाइयों बैट्समैन की तो एम तिवारी आज नहीं खेल रहा, तो एम तिवारी की जगह मैंने पहले ही सोचा था कि मैं वी सिंह को लूंगा, तो मैंने कहा कि बाद में ट्राई करूंगा, लेकिन वी सिंह एंड एस शर्मा के बीच में तो आप चाहो तो दोनों में से कोई एक ले सकते हो, तो देन मैं तो वी सिंह को चुनूंगा क्योंकि वो ओपनर आ सकता है। आगे से बात करूं पिछले मैच का हीरो और हमारी टीम का भी हीरो जिसका नाम है ए मुजम्मदर, मैंने क्या बोला था आपको कि भाइयों एक मैच से अंदाज़ा नहीं लगता प्लेयर कैसा है। पिछले मैच में इसकी 22% सिलेक्शन थी और ये बंदा तो भाई रॉकिंग कर गया और हमारी टीम में था, मज़ा ही आ गया यार मुजम्मदर का देख के। बी चौहान की बात करूँ, बी चौहान इज ऑलराउंडर बॉलर प्लस बैट्समैन, मतलब ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन तो है ही, साथ ही साथ ये एक से दो ओवर बॉलिंग भी डालता तो उस कारण एक तरह ये ऑलराउंडर हुआ। बात करूँ भाई ऑलराउंडर की तो एस अहमद के अंदर खासियत क्या, प्रीवियस बहुत मैचेस में काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो 20-30 रन हर मैच में मारता ही मारता है और एक आधी विकेट हर मैच में पॉक कर ही रहा है, तो उस कारण प्लेयर काफ़ी बढ़िया है। आगे से बात करूँ एस दास की तो एस दास भाइयों टॉप का प्लेयर, फर्स्ट मैच में भी सिलेक्शन होती, सेकंड मैच में तो भाई इसने दो विकेटें कड़काई, साथ में इसकी इकॉनमी रेट बहुत अच्छी है, मैंने सारे प्लेयर्स नोटिस किए तो उसमें इसकी जो इकॉनमी रेट आई है ना मस्त इकॉनमी रेट। एंड आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा पी यादव अभी मेनली टू मैचेस खेल के आया है। एक्चुअली आप देख सकते हैं इसका ग्रैंड लीग में मेन रोल है, भले ही अगर आप जो मर्जी ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बना दो, भले ही आपके कैप्टन वाइस कैप्टन रॉक कर जाएँ, अगर ये प्लेयर आपकी टीम में नहीं होगा ना भले ये आपको 5 पॉइंट देके जाए तब भी आप ग्रैंड लीग में मिस हो जाओगे, क्योंकि मेन बॉलर है जिसको 4 ओवर बॉलिंग मिलने हैं, अगर वो आपकी टीम में नहीं होगा तो वो थोड़ा लॉस होने का चांस रहता है। तो बात करूँ ऑल बॉलर्स की तो पीर बर्मन जो कि पहले भाइयों ये था ऑलराउंडर सेक्शन में, तो पता ही था कि इसकी बैटिंग लेट आती तो देन इसको बॉलिंग सेक्शन में डाल दिया, सही किया ये वैसे मेरे हिसाब से। और आगे से बात करूँ आर प्रसाद फर्स्ट मैच का हीरो, 4 विकेट ली थी इसने फर्स्ट मैच में, मेरी टीम में भी था, आप देख सकते हैं क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आके चेक कर सकते हो आप मैच। और आगे से बात करूँ एस घोष की तो एस घोष एक नॉर्मल बॉलर है, हर मैच में 1-2 विकेटों का खिलाड़ी है क्योंकि है ही बॉलिंग पिच तो भाई विकेट तो गिरेंगी। एंड आगे से बात करूँ ए दीप की, एक प्लेयर ऐसा होना जरूरी है जिसकी सिलेक्शन कम हो और जिस पर भरोसा कर सको, आप कर सकते हो आज के मैच में भरोसा ए दीप पे या फिर एन दास में भी मुझे बहुत भरोसा है, या एक न्यू प्लेयर खेलेगा एक ओवर है इसकी तो मैं वेट कर रहा था कब खेलेगा, ये आज खेलने वाले इसमें ऋतिक चैटर्जी इसको भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए दीप इज़ बेस्ट। तो ये रही मेरी टीम, कैप्टन मेरा देगा एस दास एंड वाइस कैप्टन एस अहमद। मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय।